बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक रेसिपीज। क्विक रेसिपीज में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बोनलेस हांडी। हांडी बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल क्विक रेसिपीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें। हांडी बनाने की जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन, जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने 3 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं जो बारीक चॉप्ड हैं, 2 दरमियाने साइज की प्याज हैं बारीक चॉप करना है इनको भी, लहसुन अदरक पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया है। स्पाइस भी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon जीरा, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 टेबल स्पून खुश धनिया, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसके अलावा 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने। बोनलेस हांडी बनाने के लिए हमें चाहिए साथ ही 1 कप दही, जिसको बहुत अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है, फेंट लेना है। हरा धनिया लिया है और 2 टेबल स्पून क्रीम ली है, क्रीम की बजाय आप बराई भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इस मैंने हांडी ली है मिट्टी की, उसमें मैं ऑयल डालूंगी। ये कंपल्सरी नहीं है, आप कोई भी बर्तन जिसमें आप हांडी बनाते हैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। कटिंग आपने बिल्कुल फाइन कटिंग करनी है, जितनी अच्छी कटिंग होगी उतनी जल्दी आपकी हांडी तैयार होगी। साथ ही मैं लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर रही हूँ इसमें और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकाना है। कम हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। तो मिक्स करने के बाद नेक्स्ट मैं इसमें नमक और सुरख मिर्च डाल रही हूँ। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है और उस तरह भूनना है जब तक ये टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए, पेस्ट की शक्ल में ना आ जाए ये मसाला। आप देख सकते हैं ये ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से एक पेस्ट की शक्ल में आ चुकी है और मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के भूना है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन डाल के इसको 10 से 15 मिनट तक आपने भूनना है चिकन को। चिकन को भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। दही का आपने बड़ा कप लेना है, फेंट के अच्छी तरह उसको, और साथ ही जो बाकी स्पाइसेस थे वो भी सब ऐड कर दूंगी। उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और 15 मिनट के लिए इसको कवर करके दम दे देना है। इसको मैंने कवर कर दिया और मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने दम पे रख दिया है 15 मिनट के लिए। दम देने के दौरान 5 मिनट के बाद हम इसको एक बार फिर से खोलेंगे और अच्छी तरह से हिला के फिर दम दे देंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसको खोल लेंगे। 15 मिनट के दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसको खोल के हिला दिया था। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और साथ ही हम हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हिला के फ्लेम ऑफ कर देंगे। वन मिनट तक पकाना है आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, देन फ्लेम ऑफ करना है। वन मिनट हो चुका है,
अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार चिकन बोनलेस साड़ी तैयार है। इसको नान और रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।